हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नैना। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है, राखी फेस्टिवल आ रहा है, तो आप राखी पे किस तरीके से रेडी हो सकते हैं, तो मैंने इस वीडियो में ये लुक करके बताया है। तो देख सकते हैं आप, ये लुक कितना प्यारा लग रहा है और इसमें आईज मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना अपनी, बहुत अच्छी। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट। सबसे पहले मैं प्लम का मिस्ट ले रही हूँ, जो अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। फिर मैं प्लम का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, ये ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र है, ये भी बहुत अच्छा है। एंड ये लाइट वेट है, बहुत सिमिलर, मतलब स्किन बहुत अच्छे से वो हो जाएगी आपकी। फिर मैं स्विस ब्यूटी का रियल बेस इम्यूलेटर ले रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। फिर मैंने ये कलर बार का प्राइमर लिया है, उसको मैं अपनी नोज़ पे जहाँ मेरे ओपन पोर्स हैं मैं वहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ इसको फिंगर की हेल्प से। फिर मैंने मिस क्लेयर का ये आईब्रो पेंसिल लिया है, आप देख सकते हैं मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। इसमें बैक साइड पे स्पूली भी है, तो मैं उसको स्पूली से अपने कॉम कर रही हूँ, अच्छे से सेट हो जाएगी आईब्रो। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर ले रही हूँ, इसको मैं अपनी आईलिड पे ले लगा रही हूँ, करेक्ट कर रही हूँ आईलिड को। फिर मैं आईब्रो भी शार्प करने के लिए आईब्रो के ऊपर भी ड्रॉ कर रही हूँ। फिर मैंने कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, उसके बाद मैं इसको डैबिंग मोशन में डैब 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 कर रही हूँ। फिर मैंने नायका का ये कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, इससे अपने आईज को सेट कर लिया है। फिर मैंने ये रेवोल्यूशन की पैलेट लिया, इसमें से मैंने पी शेड पिक किया है, मतलब ऑरेंज का शेड पिक किया है, उसको मैंने अपने आई मतलब टी लाइन पे अप्लाई किया है। फिर आउटर कॉर्नर पे मैंने लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन सा लाइट ब्राउन दोनों मिक्स करके मैंने ये लिया है। फिर मैं अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा। फिर मैंने रेवोल्यूशन की दूसरी पैलेट ली है, इसमें से मैंने गोल्डन शिमर्स लिया है और वो मैंने हाफ आईलिड पे अप्लाई कर लिया है। फिर आईज़ के एकदम कॉर्नर पे मैं हल्का सा वाइट दे रही हूँ, वाइट हल्का सा वाइट लगा रही हूँ, अच्छे से देख सकते हैं आप, क्योंकि मुझे अपनी आई थोड़ी बोल्ड दिखानी है एंड अच्छी से पूरी लाइन ड्रॉ करके दिखानी है। देख सकते हैं आईज़ मेरी बड़ी दिख रही हैं। फिर मैंने कलर असेंस का लाइनर लिया है, ये जेड ब्लैक कलर में है एंड ये लिटरली इतना अच्छा रिजल्ट देता है ना, बहुत अच्छा। और इसकी जो लाइनर ड्रॉ करते हैं ना, इसकी एप्लीकेटर इतना परफेक्ट है लाइनर ड्रॉ करने के लिए, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो मैं सिंपल लाइनर लगा रही हूँ बिल्कुल, मैंने बोन विंग नहीं किया है, मुझे सिंपल पसंद है तो मैं सिंपल लगा रही हूँ। विंग मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता है, मैंने विंग नहीं ट्राई किया। फिर मैंने नायका का मस्कारा लिया है, इसका एप्लीकेटर राउंड थोड़ा राउंड सा है एंड अच्छा है। फिर मैंने इसको अच्छे से अपने आईलैशेस पे अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं फ़र्क लगाने के बाद और लगाने से पहले कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैंने लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन लिया है, अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से लगा लूंगी। नायका का ये कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, इससे
से अपना बेस अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। ब्रश की हेल्प से मैंने सेट किया है, आप देख सकते हैं। बट मुझे ब्रश नहीं लग रहा था कि मैं ब्रश अच्छे से यूज़ कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने फिर ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया, क्योंकि ब्रश से अच्छे से पिक नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो इस वजह से मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर लिया। उसके बाद मैंने अप्लाई कर लिया। फिर मैंने स्विस ब्यूटी के ब्लशर पैलेट ली है। इसमें ब्लशर भी है, हाइलाइटर भी है, कंटोर भी है, इसमें तीनों चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं कंटोर कर रही हूँ, देख सकते हैं इसका कंटोर इतना अच्छा है ना, एक बार में लिटरली मेरा आप डिफरेंट देख सकते हो। दोनों साइड में आपको पता चल रहा होगा दोनों साइड का डिफरेंट। फिर मैंने अपने पूरे अच्छे से कंटोर कर लिया है। इनसाइड कॉस्मेटिक का मैंने हाइलाइटर लिया है, एंड ये बिल्कुल भी केकी नहीं लगता, बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता। इसमें 4 शेड हैं, आप इजीली से परचेज कर सकते हैं, एंड ये अफोर्डेबल भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, आप देख सकते हैं मेरा लुक कितना मतलब शाइन एकदम लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम बोल्ड सा नहीं लग रहा था मुझे। फिर मैंने ये लैक्मे का काजल लिया है, उसको मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी, मगर मैंने थोड़ा सा बोल्ड लगाया है इस बार काजल, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं लाइट लगाती हूँ तो फेस अच्छा नहीं दिखता है, फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा बोल्ड लगाया अच्छे से। फिर मैं उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से मर्ज भी कर लूँगी, थोड़ा सा मर्ज कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा आई शेडो पिक करके मैंने मर्ज कर लिया है उसे अच्छे से। फिर मैंने स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर पेंसिल ली है, इसका शेड ब्राउन था, थोड़ा सा ब्राउन शेड था, मैंने इससे अपनी आई पूरे फिल कर लिया है। आउटलाइन कर लीजिए आप अच्छे से, मैंने अच्छे से आउटलाइन कर ली है, देख सकते हैं इस तरीके से आउटलाइन करनी है। स्विस ब्यूटी की मैंने लिपस्टिक ली है, एंड इसका शेड ना मोव सा है, मोव कलर सा है, एंड मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी लग रही है, मैच जा रही है, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, ओवर भी नहीं लग रही, अच्छी भी लग रही है, देख सकते हैं आप। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू सो मच।